हेलो एवरीवन, आज हम लोग एडवांस एक्सेल्स में एवरेज फॉर्मूलाज देखेंगे। अब यहाँ पे हमें एवरेज निकालना है, तो हम लोग इक्वल टू एवरेज सिलेक्ट करेंगे एंड आपका डेटा सिलेक्ट करना है। तो मुझे यहाँ पे मंथ का एवरेज, मंथ के जो सेल्स दिए है उससे एवरेज मिलेगा। मतलब अप्रैल में 300, मई में 4, तो ऐसे अलग अलग सेल्स हर मंथ हुए, तो ऑन एन एवरेज हम लोग बोलेंगे कि 330 एवरेज हो गया है। नेक्स्ट है एवरेज इफ, मतलब कंडीशन के हिसाब से। मुझे फिर टी शर्ट के एवरेज का टोटल चाहिए था, तो मैं कैसे निकालूंगी? एवरेज इफ, एवरेज इफ में सबसे पहले रेंज आएगा, तो मुझे यहाँ पे रेंज लेना होगा आइटम का, क्योंकि मुझे टी शर्ट का एवरेज निकालना है। क्राइटेरिया मेरा टी शर्ट है, तो मैं टी शर्ट सिलेक्ट कर रही हूँ, और एवरेज जिसका एवरेज निकालना है वो रेंज हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे टी शर्ट का एवरेज आपको मिल जाएगा, मतलब टी शर्ट के सेल्स का एवरेज। नेक्स्ट है हमारा एवरेज इफ्स, मतलब एक से ज्यादा कंडीशन के हिसाब से मुझे एवरेज चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे एप्पल प्रोडक्ट के जॉन सप्लायर के क्वांटिटी का डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करूंगी? एवरेज इफ्स। एवरेज इफ सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका एवरेज रेंज, तो क्वांटिटी मेरा एवरेज रेंज है। देन फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज क्या है? प्रोडक्ट। देन क्राइटेरिया मतलब मेरा प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज है मेरा सप्लायर, और मेरा सप्लायर जॉन। यहाँ पे मुझे मेरा जॉन सब ने एप्पल कितने सप्लायर किए उसका एवरेज मिल जाएगा।